अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं आमिर जी के चैनल। मैं हूं आमिर सोहेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तौर पर एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बी नेटवर्क के रूल के मुताबिक है कि रूल इसमें माइनर क्या होते हैं और माइनिंग कैसे बनता है, और इसके अलावा रेफरर कौन होते हैं और रेफरर कैसे बनता है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। इससे होगा क्या कि जो भी मैं बी नेटवर्क के रिलेटेड या पाई नेटवर्क के रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको बरवक तौर पर मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बी नेटवर्क माइनर किस तरह बनता है और माइनर में कौन कौन से स्टेप होते हैं, और इसके अलावा रेफरर में कौन से स्टेप होते हैं और रेफरर कैसे बनता है, और उसकी जो बी की पावर्स पाई आवर स्पीड होती है बराबर उसमें किस तरह हम इजाफा कर सकते हैं। तो जस्ट मैं याद अबाउट पे चला जाता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं रूल सेलेक्ट कर दूँ कि मेरे रूल में कौन से रूल हैं। तो मैंने रूल पे क्लिक कर दिए तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ गया है। इसके पहला जो है माइनर, तो माइनर क्या होता है, इससे क्या मुराद है, और इसके अलावा माइनर कैसे बनता है और इसकी स्पीड क्या होती है। उसके दूसरे नंबर पर है रेफरर, कि रेफरर क्या होता है और कैसे बनते हैं और किस तरह की इम्यूनिटी बिल्ड करता है। और तीसरे नंबर पे वेरीफायर। तो माइनर भी अभी है, रेफरर भी है, और वेरीफायर क्योंकि अभी इसका पहला फेज़ शुरू है इस वजह से नहीं है। जैसे सेकंड फेज़ शुरू होगा तो वेरीफायर भी आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि माइनर क्या होता है और कैसे बनता है। तो जस्ट मैं माइनर पे क्लिक कर देता हूँ। तो वो कहते हैं कि जो भी मसलन जो भी अगर पाई यूज़ बी यूज़ कर रहा है और 24 घंटों के बाद उसको क्लिक करता है, उसके बटन पर क्लिक करता है, तो वो माइनर है क्योंकि वो माइनिंग कर रहा है। और जब वो एक दफ़ा उस पर क्लिक कर देता है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि फिर इसको क्लिक करे कि ऑन करे। क्लिक उस फिर तब करेगा जब इसका 24 घंटों का जो टाइम होता है, जो एक चक्कर होता है कंप्लीट होता है, उसके बाद इसको ज़रूरत होगी कि ये इसको फिर ऑन करे। ठीक है। और इन बी नेटवर्क का जो टोटल स्टेप हैं वो 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में उन्होंने कहा है इनका जो ओवरऑल जो मिशन है वो इनका है कि 1 बिलियन यूज़र ओवरऑल द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में इन्होंने चार स्टेप करके 1 बिलियन लोगों को सेलेक्ट करना है इसमें बी में। और इनका पहला जो फेज था, मतलब पहली जो स्टेप था इनका बी का, पहला इसका कि अगर 1 लाख लोग हो जाए ना, 1 लाख, तो उनकी जो स्पीड होगी वो 1.6 से लेकर 0.80 मसलन इसके दरमियान उसकी बी की पर हवर स्पीड होगी। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप शुरू है। सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या कहा है कि जब 1 मिलियन लोग हो जाए ना, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में इनकी जो होगी स्पीड होगी पर हवर जो बी की वो 0.80 से 0.40 की जो अभी चल रही है। और जैसे ही ये 1 मिलियन से ज़्यादा की 10 मिलियन तक जाएगी तो इसकी जो बी की पर हवर स्पीड होगी वो 0.4 से लेकर 0.2 मसलन 0.40 से 0.20 थे। और इसके जैसे ही इसके 100 मिलियन लोग कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी जो बी की पर आवर स्पीड होगी 0.2 से लेकर 0.1 मसलन 0.20 से 0.10 हो जाएगा। तो ये इसकी लास्ट रूट, जैसे 100 मिलियन कंप्लीट हो गए इसके बाद इसकी माइनिंग जो होगी वो बंद हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद अगर किसी को चाहिए होगी तो उसे पे करना पड़ेंगे डॉलर, फिर उसके बाद वो खरीदने के लिए। तो उसके बाद इसकी जो टोटल माइनिंग होती है, बेस रेट होता है उसके, जो इसकी बी की अपनी माइनर की जो अपना मसलन जो माइन कर रहा है वो होती है, और बेस रेट पर 25%। ये रेफरल की तरफ होता है, जो हम दूसरा स्टडी करेंगे रेफर क्या होता है तो वो उसकी तरफ होता है। एक्टिव माइनर जो है रनिंग टीम, तो माइनर ये होते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है रेफरल है, कि रेफरल क्या होता है। तो मैं रेफरल पर क्लिक कर देता हूँ। रेफरर वो बंदा होता है, मसलन अगर मैं अब रेफरर हूँ क्योंकि मेरे साथ बंदों की टीम है, मैंने अपनी कम्युनिटी बिल्ड की है, तो जो भी बंदा अपने साथ मैं अगर पायोनी माइनर कर रहा हूँ और मैंने अपने साथ काबिल एतमाद बंदों को अपने साथ ऐड किया है, ऐड करने से क्या होगा, ऐड करूँगा तो मेरी की जो बी की पारा और स्पीड है वो ज़्यादा होगी तो मुझे ज़्यादा बी मिलेगी। जितने ज़्यादा आपके साथ बंदी होंगी उतनी ज़्यादा आपके आपकी बी होंगी। एक जो आपका बी की मसलन पायोनीर होता है आपके साथ जो रेफरल होता है बी का, उसका 25% आपको मिलता है। मिस अगर आपके साथ 10 मेंबर की टीम है, ठीक है, तो 10 मेंबर की अगर आपके साथ टीम है तो उनका 25% बोनस उनका होता है। ठीक है,
10 मिनट प्लस 25 करो तो 250% बी पर आपको मिलती हैं, बेस रेट आपका बन जाता है। तो इससे होता है, और आपके साथ जो बंदों की टीम है तो उनको आपने मैसेज करना है कि 24 घंटों के बाद इसको आपने ओपन करना है, क्लिक करना है, उनको ये याद आनी आपका काम है। अगर फॉर मिसाल के तौर पर अगर आपका बेस रेट 1.6 है पर हावर और आपके साथ 10 बंदों की टीम है, उनमें से 7 ऐसे बंदे हैं जो एक्टिव हैं माइनिंग कर रहे हैं, तो आप देखें कि 1.6 मल्टीप्लाई 7 जो माइनर एक्टिव हैं और 25% उसका बोनस जो आपको मिल रहा है, तो आपकी जो टोटल बन रही है 4.4 बी पर हावर 2D। मसलन एक दिन के एक घंटे में, मसलन 24 घंटों में आपको 100 से ज़्यादा बी मिल रही हैं एक दिन में 24 घंटों में। तो ये अगर ये आप इस आप टीम बनाएंगे, मिसाल अगर आप नोट करें कि एक बंदा ऐसा है कि जो अकेला है और दूसरा ऐसा बंदा है जिसके साथ 200 मेंबर की टीम है, तो आप उनमें कंपेरिजन करें कि जो 200 वाला बंदा है जिसके साथ 200 बंदे की टीम है तो वो तो दिन में 500 बी इकट्ठी कर रहा है, और दूसरा जो अकेला है तो वो तो दिन में 12 बी बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करेगा। तो ये रेफरल ये होता है। तो उम्मीद है आपको रेफरल और माइनर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी कंसेप्ट की समझ ना आए तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।